आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा यहाँ पे व्यू है। ये देखो सनसेट हो रहा है और वहाँ पे आप देख सकते हैं टेंट जहाँ पे शुरू होने वाला है लगन। लड़की वाले आ चुके हैं। दिव्या ने हाथ में ले लिया प्लेट और मैं पनीर का पकोड़ा ढूंढ रही हूँ। पनीर का पकोड़ा ढूंढ रही है लेकिन इसे मिल नहीं रहा है। ये हाथ देखो भाई साहब, ये क्या चोरी करके जा रहे होंगे किसी के पैसे। इसकी तो हवा भी ठंडी आती है। Hey guys, once again welcome back to our YouTube channel Rahul Kuriyar। वो आज हम जा रहे हैं भाभी के कजन के लगन में क्योंकि शादी में हम नहीं जा पाएंगे जो कि है परसों, तो इसलिए हम आज ही फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं। और मम्मी नहीं जा रही है, बस मम्मी ऐसी खड़ी है हमारे साथ। मम्मी तो वीडियो में आना था, कह रही है मैं भी आऊँगी, मैं तो भेज रही हूँ। और मम्मी और पापा आज घर पर ही है और हम चारों जा रहे हैं, वहीं मिलते हैं आपसे। बाय बाय। हम लोग घर से टाइम से निकल गए थे। गूगल मैप को फॉलो करते हुए हम रुचि भाभी की मौसी के घर जा रहे थे पर गूगल मैप हमें गलत गांव में ले गया और हम रास्ता भटक चुके थे। तो गाइस ये देख सकते हैं, हम यहां पर अटक गए हैं। आगे खेत ही खेत और इस खेत में गाड़ी निकलना बड़ी मुश्किल हो रही है। ये देखिए हैवी ड्राइवर। काफी भटकने के बाद पूछते पूछते हम लोग वहाँ आखिर पहुँच गए थे। और ये देख सकते हैं, ये है रुचि भाभी की मौसी, सबकी मौसी। और इनके जेठानी के बेटे के लगन में आए हैं हम। और ये सब हरियाणा में, हरियाणा में। और ये मौसी की बेस्ट है। और ये है मौसी की बेस्ट फ्रेंड है। हेलो करो, सेकंड करो भाई, तो शर्मा रहे। सो दो घंटे के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं भाभी की मौसी के घर जहां शुरू होने वाला है लगन अभी थोड़ी सी देर में। ये हैं रुचि दीदी के मौसा जी और हम बताना चाहेंगे कि मौसा जी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो जितने भी हमारे जाट व्यूअर्स हैं, मौसा जी कुछ बोलना चाहोगे आप उनके लिए? बोल लो, बता। बोलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो हरियाणवी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा यहाँ पे व्यू है। ये देखो सनसेट हो रहा है और वहाँ पे आप देख सकते हैं टेंट जहाँ पे शुरू होने वाला है लगन। लड़की वाले आ चुके हैं और अभी हम लोग आपको वहाँ पे लेके जाएंगे और दिखाते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। और हम लोग भी पहली बार कोई हरियाणवी शादी लगन। और ये है छोटे छोटे साले, ये है रुचि दीदी के मामा के बच्चे। हेलो हेलो हेलो। और ये है रुचि भाभी की मामी। कैसे हो मामी? बस ठीक है। और कुछ बोलना चाहोगे? बस क्या बोले, कुछ भी, कुछ नहीं बोल रहे। गाना सुना दो फिर। गाना गढ़वाली गाना हो जाए। मैंने सुना है बड़ा गंदा, बड़ा अच्छा गाते हो। अरे हंस रहे। गाओ अदर बनाओ। अरे बोलो तो साथ ले क्या। और मौसी ने एक गुटकी लगा रखी है। अरे नहीं लगा रही यार, लगा तो ना रहे। ये दो साल है, ये दो साल है तुझे उपाय है जानू। अरे ये हमारा पड़ोसी है, ये सियाली है, सियाली है क्या हमारी दिखानी हो। फेवरेट रूम, ये फेवरेट पड़ोसी है। और यही हमें लेके आए, हम भटक गए थे, ये रास्ता दिखाने वाले हैं। हेलो कर दो। ये है मामा जी। मामा जी हेलो करो। हेलो, नमस्ते मामा जी। हाय हाय, नमस्ते नमस्ते। ये मामा जी ये भाभी की मौसी। कब आए मौसी आप यहाँ? डेढ़ बजे आए हम आज, डेढ़ बजे। अच्छा, तो ये दिन के आए हुए हैं यहाँ पर। और ये साला, साला हेलो करो। हेलो बोलो। हेलो जीजू। हेलो जीजू, बोलो ना, लाइक करो, शेयर करो, बैठो हम तो यहाँ सारे बातचीत करते हुए। अब थोड़ी देर में लगन स्टार्ट हो जाएगा और फिर खाने पीने चलेंगे हम सब। और ये सब चलते हुए टेंट की ओर क्योंकि नाश्ता तैयार हो चुका है और नाश्ता करने चल रहे हैं सारे। ये देख सकते हैं यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था होते हुए यहाँ हो रही है तैयारियाँ। ये हमारे हलवाई भाई साहब। कैसे भाई साहब? बढ़िया भाई साहब।
ये रहा छोटा साला हाथ में चाय पीते हुए, और यहाँ पकौड़े, बर्फी, पकौड़े चटनियाँ सब कुछ यहाँ पर भाई हमने सबसे किया। और इन्होंने भर लिया ठूस, भाभी ने दो प्लेट खा चुकी है पहले। और ये देखो ये कितना बदनाम कर रहे हैं हमें। दिव्य ने हाथ में ले लिया प्लेट और मैं पनीर का पकौड़ा ढूंढ रही हूँ, पनीर का पकौड़ा ढूंढ रही है लेकिन इसे मिल नहीं रहा है। लेने गए और दूसरी प्लेट ले लिया दिव्य ने पनीर, भाभी तो सीधा वहीं से हाथ मार मार के ले रहे, हाथ खाली नहीं, तेल लगा हुआ है पकौड़ों में। और दिव्या पनीर के पकौड़े ढूंढते हुए, खुशबू आ गई है शायद उसको, और फाइनली पनीर के पकौड़े मिल गए। और कैसे टूट रखे हैं ये, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा, मैं तो बस व्लॉगिंग कर रहा हूँ। और आइए आपको ले चलूँ जहाँ लगन हो रहा है अभी। ये सभी लगन में बैठे हुए, और दूसरी तरफ चल रहा है नाश्ता। क्या क्या मिला लगन में? लगन में पूरा सामान मिला है और 51,000 रुपए मिले। 51,000 और पूरा सामान? हाँ, बस इतना ही बहुत है हमारे। हमने हमने तो फिर भी मना कर दिया था। लगन में मिला सबसे बड़ा दहेज लड़की का, लड़की की, दूसरे की लड़की, सबसे बड़ा दहेज दूसरे की लड़की, मतलब जिससे बात हुई थी उसकी लड़की नहीं, वही उनकी। अच्छा, लड़की जिससे बातचीत, वही तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा, और अभी लड़के को बीच में बिठा रखा है और उसके पैसे वैसे उड़ाए जा रहे हैं। अभी मेरी दोनों बेटियां आशीर्वाद देते हुए, ये हमारे जीजा आते हुए, अब सारे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ एक रस्म होती है जिसको कहते हैं भात, भात की रस्म, तो वो हो रही है अब यहाँ पर। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ आप देख सकते हैं दूल्हे की माँ और दूल्हे के मामा को, जो कि भात की रस्म कर रहे हैं। भात की रस्म में दूल्हे के मामा लेके आए हैं अपनी बहन के लिए कुछ कपड़े, अन्न और तोहफे, और उनकी बहन उनकी आरती उतार रही हैं और उन्हें सम्मान दे रही हैं। और यही रस्म आगे चली दूसरे मामा के साथ भी और उनके बच्चों के साथ भी। तो गाइस खाना लग चुका है और अब हम खाना खाने जा रहे हैं सारे, क्योंकि हमें टाइम से घर भी निकलना है। मुझे छोड़ के सब खा रहे हैं और ये वंश तो बहुत ज्यादा खा रहा है। और इस मोटे को देखो, इस मोटे को देखो, इसकी प्लेट देखो। अच्छा बेटा, खुश तो बड़ी हो रही है तू। हाँ मेले है ना, तभी डालूंगा मैं वीडियो में। अगर मेरे लिए न्यू आना, आपको एडिट करके बड़ा गंदा दिखाऊंगा। मेरे बबलू का अच्छा, ये हमारी प्यारी प्यारी दीदियां दो, ये प्यारे और ये हमारे दो प्यारे प्यारे जीजा और मामी भी यहाँ। ये खुश तो बड़ी हो रही है। और यहाँ सास फिर से देते हुए मामी, मैं रिकॉर्ड करूंगा इस बात को, मेरे लिए भी है ना उसमें। बस अब तू अगर मना करेगी, अब मना मत कर दियो, वीडियो दिखा दूंगा अगर बोला मेरे लिए। मैं भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है भाई। ये बताएगा, ये बताएगा वंश क्या क्या बोला है मामी ने। ये देखो मेरे को मिल गए, ये 11,000 रुपए मिल गए। YouTube से नहीं कमा रहे,
जितना लोगों के घर आके यहाँ हम भी आ रहे हैं, जाना पड़ेगा हर जगह एक एक बार। मामी आप कब बुला रहे हो? हम आ रहे हैं कभी कभी। मौसी आप जब आपकी मर्जी हो, तुम गए थे फिर गए क्यों नहीं? कभी बात तुम्हारे जब आप इधर आओ जब आ जाना ठीक है। हां जी राहुल जब आप अभी नहीं चाहो खेलने का बोल रहा है। हां पूरा परिवार आना सही है सही है। मुझे दे दियो यार, नहीं चाहिए मुझे दे दियो। ये हाथ देखो भाई साहब, ये अरे क्या चोरी करके जा रहे होगे किसी के पैसे? क्या ये मेरे को लग रहा है ये लूटे हैं, ये लोगों ने ये लूटे हुए पैसे लग रहे हैं मेरे को। ये दूल्हे पे चढ़ाए थे इन्होंने ले लिए। आज एसी नहीं चलाएंगे, आज हम आज इसी की हवा खाने वाले हैं। आज एसी नहीं चलेगा, इसकी तो हवा भी ठंडी आती है। करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।